नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं हाल ही में साइन किए गए एक डील के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, आज से तकरीबन 10 महीने पहले इंडिया के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, उन्होंने एक टेंडर निकाला था जिसके अंतर्गत लिथियम आयन टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्लेयर्स को टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के थ्रू देने वाले थे। और इस टेंडर में बहुत सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस टेंडर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो कुछ ऐसी थी कि जो भी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो इसरो द्वारा प्रोवाइड किए गए कुछ प्री डिफाइंड तय किए गए मानकों को पूरा करें, जैसे कि सेफ्टी कैसे रखेंगे वो, इस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे ये कंपनियां सेलेक्ट की जानी थी। और हाल ही में ऐसी खबर आ रही है कि इस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए इसरो ने टाटा ग्रुप के केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट किया है। और इस सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर उन्होंने एक एमओयू साइन किया है जिसके अंतर्गत टाटा पावर का केमिकल डिवीजन, जो कि अब तक डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल्स बना रहा था छोटे बड़े लेबोरेटरी के लिए, अब उसे इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि इसरो का ही मेजर पार्ट है केरला में, उसके थ्रू ये लिथियम आयन की टेक्नोलॉजी दे दी जाएगी। और इस टेंडर की लागत तकरीबन 1 करोड़ की थी। और यहाँ पे टाटा ग्रुप ने बहुत सारे पैरामीटर्स को मीट किया है, तभी जाके टाटा ग्रुप को सेलेक्ट किया गया है। आइए जान लेते हैं कि लिथियम आयन टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, फ्यूचर में क्या इंप्लीकेशन हैं, क्या एडवांटेज हैं, सभी जानते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि लिथियम आयन ही क्यों, कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि लिथियम का जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है वो सबसे हाईएस्ट है इस तरह के हर एलिमेंट में। और इसी सीरीज में फ्लोरीन का सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो लिथियम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके आउटर सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से वो ऑलरेडी तैयार रहता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। और इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, ये वाटर और एयर दोनों में रिएक्शन कर सकता है। तो बेसिकली इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले इस हाईली इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल वाले लिथियम आयन को एक मेटल ऑक्साइड में डाल दिया जाता है, जिसके वजह से ये अपने आप को स्टेबल पाते हैं। और उसके बाद इसे इस मेटल ऑक्साइड से सेपरेट कर दिया जाता है, जिसके वजह से ये एक आयन और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। और ये दोनों सेपरेशन के बाद जब इनको दोबारा छोड़ा जाता है तो ये सेपरेटेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आके दोबारा लिथियम आयन मॉलिक्यूल से मिल जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट बीच में डाल दिया जाता है। एक तरफ होता है मेटल ऑक्साइड, बीच में होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरी तरफ होता है आपका ग्रेफाइट, जहाँ पे मेटल ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन उठा के ग्रेफाइट में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लिथियम आयन होते हैं वो अट्रैक्ट होके इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होके ग्रेफाइट के पास पहुँचते हैं और उन दोनों से मिलके अपने आयन को चार्ज करते हैं। और जैसे ही कोई इसका यूसेज आता है किसी भी फॉर्म में आप इसे यूज़ करते हो, तो ये फिर से इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करके दोबारा मेटल ऑक्साइड की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है इसके वर्किंग का। अब जान लेते हैं कि ये लिथियम आयन बैटरी इतनी खास क्यों है और इन्हें कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। तो लिथियम आयन बैटरीज को आने वाले कुछ दिनों में जितने भी व्हीकल्स हैं उन सभी में यूज किया जा सकेगा। टाटा ग्रुप ने इस एमओयू को इसीलिए साइन किया गया है कि इसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन में यूज किया जाएगा, जैसे कि जितने डिवाइसेस हैं वहाँ पे तो यूज होगा ही, लेकिन इसे आने वाले कुछ दिनों में फ्यूचर की कार्स में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो कार्स इन बैटरी पर चलेगी उन कार्स में लगा हुआ इंडक्शन मोटर, और आप सबको इतना तो पता ही होगा आजकल की कार्स में लगा होता है आईसी इंजन्स, लेकिन यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर है जिसे लिथियम आयन बैटरी से चलाया जाएगा वो काफ़ी सुपीरियर होगा आजकल के आईसी इंजन के कंपेयर में, क्योंकि जितनी पावर ये पेट्रोल आईसी इंजन आजकल जलाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट करने के लिए, उतनी पावर में एक अच्छा खासा टॉर्क इंडक्शन मोटर डेवलप करने में कैपेबल है। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो इसके एप्लीकेशंस जैसे कि सिविलियंस के लिए और मिलिट्री और डिफेंस दोनों क्षेत्र में प्रचलन में होगा आने वाले दिनों में। अगर बात करते हैं सिविलियंस क्षेत्र की, तो जितने भी गैजेट्स हैं, एसेसरीज हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, कैमरा हो, लैपटॉप हो, या फिर सिविलियन ड्रोन्स हो, तो इन सभी में हर तरह के जो बैटरीज की रिक्वायरमेंट होगी उसे ये लिथियम आयन बैटरीज पूरा करने में सक्षम होंगी। अब बात कर लेते हैं डिफेंस क्षेत्र में किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो डिफेंस क्षेत्र में डिफरेंट डिफरेंट तरह के यूएवी, इलेक्ट्रो एनर्जी सिग्नेचर गैदरिंग डिवाइसेस, तो इन सभी में इसका यूज किया जा सकेगा। जैसा कि आप सबको बता दूं, इसरो ने इसे डेवलप किया था अपने सैटेलाइट्स को पावर देने के लिए एक लंबे ड्यूरेशन के लिए। अभी पूरी दुनिया में कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो कि इस तरह के कार्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं जो कि कम्प्लीटली लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज पे चलती हैं, जैसे कि टेस्ला बनाती है जो कि लिथियम आयन बेस्ड बैटरी चलती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की। अगर इस तरह के कार या बस जो कि लिथियम आयन बेस्ड बैटरी पे चलेंगी तो उनके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये होगा कि आने वाले दिनों में फ्यूचर में जो फ्यूल है, पेट्रोलियम फ्यूल है, उसकी कमी होने वाली है। तो इस चीज़ को देखते हुए इस तरह का जो रिसोर्स है वो काफ़ी हैंडी साबित होगा। बात करते हैं दूसरे एडवांटेज की। तो अगर आप दूसरे एडवांटेज के रूप में देखते हो तो इस तरह के व्हीकल से जो पॉल्यूशन होगा उसकी मात्रा ना के बराबर होगी, तो पॉल्यूशन के लिहाज से भी इस तरह के जो व्हीकल्स होंगे वो काफ़ी कारगर साबित होंगे।
अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग और ऑपरेशन कॉस्ट की, तो इसी लिहाज से भी ये जो व्हीकल्स होंगे वो ज़्यादा चीपर होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे एडवांटेज हैं जो कि आने वाले दिनों में ये इंश्योर करती है कि लिथियम आयन टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रचलन में होने वाली है। अभी फिलहाल जो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी है वो 3000 से लेकर 3500 साइकिल रन करने में सक्षम है, मतलब एनायन और इलेक्ट्रॉन का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना वो एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो तकरीबन 3000 से लेकर 3500 साइकिल अभी साइंटिस्ट अचीव करने में सक्षम हो पाए हैं, जिसकी वजह से अगर ऐसी बैटरीज अभी किसी कार्स में लगाई जाती हैं तो आपको तकरीबन 6 से 7 साल में अपनी बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। जबकि अभी साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं कि इसे तकरीबन 10,000 साइकिल तक रन करने में कैपेबल बनाया जाए, जिसकी वजह से आपकी कार में लगी इस तरह की बैटरीज जिनको 25 साल के बाद चेंज कराने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है अगर आने वाले दिनों में 10,000 साइकिल वाले लिथियम आयन बैटरीज डेवलप कर लिए जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो भी इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इस तरह के बैटरी का यूज़ करते हैं वो ऐसी बैटरियाँ दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि जापान, चाइना, साउथ कोरिया। वहाँ से लास्ट ईयर हमने तकरीबन $150 का इंपोर्ट किया है लिथियम आयन बैटरीज का। लेकिन अब इसरो के इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है ऑटोमोबाइल और गैजेट इंडस्ट्री को लेके। तो इस बारे में आप लोगों का क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद। We'll be right back.